हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉलेज हब में। आज हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर की, कि सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है। यदि आपको सी प्रोग्रामिंग में कोई प्रोग्राम टाइप करना है, लिखना है, तो सी कोडिंग कैसे करते हैं, किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये कोई कंपल्सन नहीं है इसमें, लेकिन हमें यदि कोई प्रोग्राम के बारे में बताना है कि हम किस टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम बना रहे हैं, या जो यूज़र है उसको हम समझाना चाहते हैं कि प्रोग्राम क्या है, तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन या कमेंट का यूज़ करते हैं। पहला पार्ट क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन। पहला पार्ट क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसे हम कमेंट सेक्शन भी बोलते हैं। और ये डॉक्यूमेंट सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जिसे कंपाइलर के द्वारा क्या होता है, इग्नोर कर दिया जाता है। इसे जो आप कंपाइलर है वो इसे रीड नहीं करता है, ठीक है ना। ये सिर्फ यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। सेकेंड पर्सन क्या है? प्री प्रोसेसर आर स्टेटमेंट। प्री प्रोसेसर आर स्टेटमेंट का मतलब होता है कि कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिन्हें हमें क्या करना है, अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो उन्हें हम प्री प्रोसेसर या स्टेटमेंट बोलते हैं। जनरली इनको हम हेडर फाइल्स बोलते हैं, है ना, जिन्हें हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। जो हमारे प्रोग्राम में हमें पहले से बनी हुई लाइब्रेरी को यूज़ करना हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। फिर थर्ड है ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन जो होता है वो ऐसा डिक्लेरेशन है, यदि हम किसी वेरिएबल को, वेरिएबल मतलब किसी वैल्यू को हम पूरे प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कहीं से भी उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसे हमें ग्लोबल डिक्लेयर करना होगा। ग्लोबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ग्लोबल बनाने के लिए उसको आपको इस प्री प्रोसेसर के नीचे डिक्लेयर करना होगा, मतलब फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। और प्री प्रोसेसर के नीचे यदि हमने जैसे उसे डिक्लेयर किया, फंक्शन हो या वेरिएबल हो, वो क्या बन जाएगा? ग्लोबल बन जाएगा। ग्लोबल इन द सेंस उसे हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। हर एक सी प्रोग्राम में क्या होता है, एक मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन का काम क्या है? ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपके कंपाइलर को एक्टिवेट करता है, इसके द्वारा ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। ये क्या है? आपका मेन फंक्शन है। आपने जितने भी अदर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए हैं या जितने ही वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, उन्हें हम डायरेक्टली इस मेन फंक्शन के द्वारा एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फिर आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये ऑप्शनल है। यदि मेन फंक्शन के अलावा आपको और भी कई टास्क डिफाइन करनी है या यूज़ करना है या एग्जीक्यूट करना है, तब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करते जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन क्या है, जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन हैं सभी क्या होंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेन फंक्शन से ही कॉल होंगे, ठीक है। अब इसे हम समझते हैं एक प्रोग्राम के द्वारा। जैसे हमने यहाँ प्रोग्राम लिया है, दिस इज सिंपल प्रोग्राम। इसके पहले हमने डबल स्लैश लगाया, बैक स्लैश लगाया है। इस स्लैश का मतलब क्या है, डबल बैक स्लैश का इसका मतलब है, ये क्या है, कमेंट है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये हम बता रहे हैं कि प्रोग्राम किससे संबंधित है, ठीक है। इसे कंपाइलर रीड नहीं करता है, कंपाइलर क्या होता है, इसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो अंदर लिखा हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h। हैज क्या है यहाँ पर? हैज क्या है? प्री प्रोसेसर है, ठीक है। ये मतलब बता रहा है कि क्या है, प्रोसेसिंग करना है इसकी, कि आपको हैज इंक्लूड stdio.h मतलब इसे इंक्लूड करना है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नाम की जो हेडर फाइल है, इसको क्या करना है, प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, ठीक है ना। सेकेंड है आपका हैज इंक्लूड conio.h, इसका मतलब होता है कि आपको क्या करना है, कंसोल इनपुट आउटपुट फाइल को, हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है। तो हमारे पास दो हेडर फाइल है, stdio.h conio.h, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कंसोल इनपुट आउटपुट .h नाम की दो हेडर फाइल है, ठीक है ना। इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फाइलें होती हैं आपकी, है ना, जो भी आपके इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं वो सब कहाँ मिलेंगे आपको, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में आपको मिल जाएंगे, जैसे printf हो गया, ठीक है ना। अब कंसोल conio.h का मतलब क्या होता है, मतलब कंसोल, जब जो भी आपका आउटपुट आता है वो कंसोल स्क्रीन पर आता है, डॉस मोड पर आता है, तो कंसोल से रिलेटेड जो भी आपके फंक्शन होंगे सब वो इस हेडर फाइल से हैंडल होंगे। इसके बाद हमने क्या लिया है, void add int x, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन, क्योंकि हमने इसको प्री प्रोसेसर के नीचे और हेडर फाइल के जस्ट नीचे डिक्लेयर किया है, किसी फंक्शन के अंदर इसे मेंशन नहीं किया है, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। इन दोनों को ही हम कहीं भी पूरे प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना, void add हो या int x equal to 100 हो। फिर हमने लिखा है void main, ये आपका मेन फंक्शन है, यहाँ से ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, जैसे प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, वो मेन से ही स्टार्ट होगा।
ठीक है। सबसे पहले मेन प्रोग्राम क्या करेगा, कंपाइलर को एक्टिवेट करेगा। कंपाइलर का काम क्या है, आपका जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। मशीन कोड में कन्वर्ट होगा तब ये एग्जीक्यूट होगा। तो मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। हमने लिखा है प्रिंट एफ हेलो। प्रिंट एफ क्या है, फंक्शन है, इसमें डबल कोटेशन में जो जो कुछ भी आप लिखोगे वो वैसा का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। हमने लिखा है एट। एट क्या है, फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, यूजर डिफाइन है। मतलब जैसे ही एट फंक्शन को कॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या है, एट फंक्शन की डेफिनेशन या तो लाइब्रेरी में होगी या फिर यूजर ने कहीं बाहर डिफाइन की होगी। पहले चेक करता है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, तब यूजर ने यहाँ जो क्या किया है, इसको डिफाइन किया है void int। यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, int a equal to 10, मतलब a की वैल्यू 10 है। प्रिंट एफ परसेंट डी ए प्लस एक्स, मतलब ए और एक्स वैल्यू जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, x हमारे पास नहीं है, x कहाँ है, ऊपर है। तो क्या x को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल x वैल्यू को हम इस फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इसे क्या बनाया है, ग्लोबल डिक्लेयर किया है, ठीक। तो इस तरीके से अपने प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने समझा प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे हम इसे फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, मतलब ये कंपल्सन नहीं है, आप चाहो तो लिखो या मत लिखो। फिर प्री प्रोसेसर, ये क्योंकि हम इसके फंक्शन यूज़ करने वाले हैं तो प्रोग्राम में इसलिए इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन भी कंपलसरी नहीं है, आपको लग रहा है कि कोई वैल्यू पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं या करना चाहिए या उसकी रिक्वायरमेंट, तब हम उसे क्या करेंगे, ग्लोबल बनाएंगे। फिर बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, ये कंपलसरी है, आपको मेन फंक्शन प्रोग्राम में यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक प्रोग्राम कंपाइल होगा और एग्जीक्यूट होगा तो उसे मेन फंक्शन की आवश्यकता होगी। फिर क्या है, यूजर डिफाइन फंक्शन, यदि आपको लग रहा है कि एक से ज़्यादा फंक्शन की आवश्यकता है तब आप यूजर डिफाइन फंक्शन बना सकते हैं। फिर क्या है, फिर आपने देखा है प्रोग्राम कि पहले हमने लिखा है जैसे सिंपल सी प्रोग्राम, जिसे बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर सेक्शन। यहाँ पर लिखा है has include stdio.h has include colon.h, ये आपका क्या है, प्री प्रोसेसर सेक्शन हो गया। void add index क्या है, ये आपका ग्लोबल सेक्शन हो गया। void main फंक्शन क्या है, ये आपका मेन फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम आपका एक्टिवेट होगा, रन होगा। फिर void add क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन है। तो इस तरीके से सी में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी पॉइंट पर कोई डाउट है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।